हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जो कि आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, आर्मेट नॉलेज यूनिवर्सिटी प्लस इस टाइप का क्वेश्चन गेट कंपटीशन में भी आता है। कंप्यूटर साइंस का जो गेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को पहले हम लोग समझते हैं। तो ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग जो है मेनली आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, और इसका दो वर्जन होता है, एक आपका नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन होता है और एक आपका प्रिम्प्टिव वर्जन होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रिम्प्टिव वर्जन डिस्कस करेंगे। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का आपका मोड जो होता है, मोड अभी हम लोग कर रहे हैं एनपी मोड, मीन्स नॉन प्रिम्प्टिव मोड इसका होगा, नॉन प्रिम्प्टिव। और आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो होगा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका होगा प्रायोरिटी। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इसका क्या होगा, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का दो वर्जन होता है, प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव। तो अभी हम लोग नॉन प्रिम्प्टिव वर्जन पढ़ेंगे। और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज होता है आपका आरटीओएस में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें आपका प्रोसेस गिवन है, आपका P1, P2, P3, P4, P5 इसका प्रायोरिटी दिया हुआ है, अराइवल टाइम जिस टाइम पे प्रोसेस आपका रेडी क्यू में एंटर किया है, P1 का टाइम 0 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है, P4 का 3 है, P5 का 4 है, एंड BT इसका दिया हुआ है बर्स्ट टाइम। CPU का जो टाइम होता है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, दो टाइम चाहिए। एक CPU का जो टाइम होता है उसको बर्स्ट टाइम बोलते हैं, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो टाइम होता है उसको IOBT बोलते हैं, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। बट इस क्वेश्चन में हम लोग IOBT को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग CPU टाइम को कंसीडर कर रहे हैं जिसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम्स आर गिवन, अराइवल टाइम एंड प्रायोरिटी आर आल्सो गिवन। तो अब हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है और कौन लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो आपका यहाँ पे एज्यूम करना होता है, जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी, बट कहीं कहीं पे आपका होता है लोअर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो दोनों आप कर सकते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो लिख देना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी अज्यूम हायर नंबर इज हाँ, तो कहीं कहीं पे आपका होता है हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी और कहीं कहीं पे होता है लोअर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। बट जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को तो आपको लिख देना होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी अज्यूम हायर नंबर, बी अज्यूम हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सबसे हायर नंबर है आपका P5 का, तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है, P5। P5 हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो अब हम लोग सारे प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, और शेड्यूल करने के लिए जो चार्ट यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं गैंट चार्ट। तो यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं हम लोग, गैंट चार्ट के जरिए प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं एट टाइम जीरो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P5 है, बट इसका अराइवल टाइम आपका 4 है, सबसे लास्ट में रेडी क्यू में आ रहा है। तो तब तक हम लोग जो प्रोसेस रेडी क्यू में आया हुआ है उस प्रोसेस को पहले शेड्यूल करेंगे। तो एट टाइम जीरो रेडी क्यू
P1 गेट शेड्यूल फर्स्ट, कितने यूनिट टाइम के लिए करेंगे? 4 यूनिट टाइम, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड का भी नॉन प्रिंटिव वर्जन देख रहे हैं। प्रिंटिव वर्जन में सिंगल यूनिट चलाना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसको 0 से 4 यूनिट टाइम तक आपका शेड्यूल होगा प्रोसेस P1। प्रोसेस P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड, प्रोसेस P1 आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब P1 के बाद एट टाइम 4 ऑल द प्रोसेस आर अराइव्ड इन रेडी क्यू, सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में हमारा आ चुका है, P2 P3 P4 P5। तो हम लोग अब किसको शेड्यूल करेंगे, तो देखेंगे सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है। तो P5 का 12 है, P4 का 9 है, 3 4, तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आपका कौन है? P5। एंड सबसे लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है आपका P3। तो P5 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, जितना BT है, BT कितना है इसका 6, तो 4 से चलेगा 4 6 10, 10 तक आपका P5 गेट शेड्यूल, P5 शेड्यूल हो गया। P1 एग्जीक्यूटेड, P5 एग्जीक्यूटेड, अब हमारा बचा P2 P3 P4, इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी है P4 का, P4 का प्रायोरिटी 9 है, P3 का 3 है, P2 का 4 है। तो हम लोग यहाँ पे P4 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, जितना BT है इसका, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रिंटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉन प्रिंटिव में वन से दिन प्रोसेस कोई आपका रेडी से रन स्टेट में जाता है तो वापस रन से रेडी में नहीं आएगा, सीधा टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। तो इसलिए नॉन प्रिंटिव जो भी शेड्यूलिंग होगा, जैसे FCFS या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, या प्रायोरिटी बेस्ड का हम लोग नॉन प्रिंटिव वर्जन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो BT होता है उतने के लिए हम शेड्यूल करेंगे। तो P4 का BT कितना है? 2 10 2 12 12 तक आपका P4 शेड्यूल होगा, P4 गेट शेड्यूल, P4 एग्जीक्यूटेड। अब बच गया हमारा दो प्रोसेस P2 एंड P3। P2 का आपका 4 है प्रायोरिटी, P3 का 3 है, तो P2 का हायर प्रायोरिटी है, तो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस पहले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, वी एज्यूम हायर नंबर इन हायर प्रायोरिटी। तो आपका P2 यहां पे शेड्यूल होगा, क्योंकि P2 का प्रायोरिटी P3 से आपका ज्यादा है। तो 12 + 3 आपका 15 तक चलेगा P2 शेड्यूल हो चुका। अब आपका एक प्रोसेस बच गया P3, P3 का 5 है, तो 15 to 20 आपका P3 शेड्यूल होगा। तो हमारा सारा प्रोसेस आपका शेड्यूल हो चुका है, सारा का सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपका पहले हम लोग CT निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम इस गैंट चार्ट के जरिए निकालेंगे P1। P1 का देखिए स्टार्ट टाइम 0 है एंड कंप्लीशन टाइम 4 है, यानी एट टाइम 4 P1 आपका कंप्लीट हो चुका है। P2 का कंप्लीशन टाइम, P2 12 पे स्टार्ट हुआ है, 15 पे कंप्लीट हुआ है, सो P2 का कंप्लीशन टाइम आपका 15 होगा। P3 का कंप्लीशन टाइम, P3 15 पे स्टार्ट हुआ है, 20 पे कंप्लीट हो रहा है, 20। P4 10 पे स्टार्ट हुआ है, 12 पे, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 12 एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 इज 10, 4 पे स्टार्ट हुआ 10। अब निकालेंगे हम लोग TAT, टर्न अराउंड टाइम। देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है TAT = CT - AT, टर्न अराउंड टाइम = CT - AT, मींस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आपका कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 4 एंड अराइवल टाइम इज 0, 4 - 0 = 4 हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 15, 15 - 1 = 14। P3 का कंप्लीशन टाइम 20 है, अराइवल टाइम 2 है, 18। एंड P4 का 12 है, अराइवल टाइम 3, 9। P5 का आपका 10 है, 10 - 4 = 6 हो जाएगा। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम हुआ। नेक्स्ट वन इज WT, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मींस कितना टाइम CPU को प्रोसेस
करना पड़ा रीडिंग में, तो डब्ल्यू टी इक्वल टू टी ए टी माइनस बी टी, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्क टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस पी वन इज 4 एंड वर्क टाइम इज 4, 4 माइनस 4 0। यहां पे देखिए प्रोसेस पी वन 0 टाइम पे आया और 0 टाइम पे शेड्यूल हो चुका है, इसलिए वेटिंग टाइम क्या हो गया 0। प्रोसेस पी टू का टर्न अराउंड टाइम 14 है एंड वेटिंग टाइम इज सॉरी बस टाइम इज 3, तो 14 माइनस 3 11। देखिए प्रोसेस पी टू का अराइवल टाइम 1 है, 1 पे आया पी टू और स्टार्ट कितना हुआ 12 पे, 1 पे आया 12 पे, 11 यूनिट टाइम इसको वेट करना पड़ा। पी थ्री 18 माइनस 5 13। P4 का टर्न अराउंड टाइम 9 है एंड बस्ट टाइम इज 2, 9 माइनस 2 7। P5 का आपका 6 है टर्न अराउंड टाइम एंड बस्ट टाइम इज, देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस देखिए यहाँ पे P5 था हमारा, और P5 जो है आपका सबसे लास्ट में आया है, टाइम 4 पे आया है, बट लास्ट में आने के बावजूद भी इसका वेटिंग टाइम 0, मतलब एक भी यूनिट टाइम आपको हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा। यही खासियत है इसका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का, दैट्स व्हाई इसका यूज होता है रियल टाइम, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्यूटी होता है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, चाहे आपका अर्बन नॉलेज यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या फिर गेट का जो कंपटीशन होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछता है, शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रिंटेड वर्जन अभी देखेंगे। ओके, थैंक यू।